जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर जो है वो हम लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी किया था। क्रोमोसोम्स के बाद हम लोगों ने जो है वो इसकी सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था। सेल साइकिल जो है वो कंसिस्ट कर रहा था हमारे पास दो फेजेस के ऊपर। कौन कौन सा फेज़ था हमारे पास? इंटरफेज, मतलब कि नॉन डिवीजन फेज, और दूसरा हमारे पास क्या था? इंटरफेज, और दूसरा हमारे पास क्या था? डिवाइडिंग फेज, और एक हमारे पास था नॉन डिवाइडिंग फेज। ठीक है, डिवाइडिंग फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज के ऊपर जो है वो हमारा जो सेल साइकिल है वो कंसिस्ट कर रहा था डिवाइडिंग फेज, इंटरफेज, और दूसरा हमारे पास फेज कौन सा था? नॉन डिवाइडिंग फेज था हमारे पास, इंटरफेज, और दूसरा हमारे पास क्या था? एम फेज, डिवाइडिंग फेज। तो कल हम लोगों ने इंटरफेस के बारे में स्टडी किया था। इंटरफेस क्या था कि दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन के दौरान दरमियान का जो टाइम, जो पीरियड है वो हमारे पास क्या कहलाता है? जो दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन के दौरान का जो पीरियड था वो हमारे पास क्या कहलाता है? इंटरफेस कहला रहा था। इंटरफेस भी जो है वो हमारे पास आगे फर्दर थ्री सब स्टेजेस के अंदर, थ्री सब फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड हो रहा था। कौन कौन से थ्री सब फेजेस थे? G1 फेज, S फेज और G2 फेज, G1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज। आज का हमारा जो टॉपिक है हम M फेज के बारे में पढ़ेंगे। M फेज क्या है हमारे पास? डिवाइडिंग फेज, मतलब कि सेल जो हैं वो इसमें डिवाइड होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं एम फेज के अंदर, माइटोसिस और मियोसिस। मतलब कि सेल डिवीजन फेज के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं पहले कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, सेल डिवीजन का, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें वन पेरेंट सेल जो है वो, एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल के अंदर, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिमेन कॉन्स्टेंट, के रिमेन सेम या रिमेन कॉन्स्टेंट रहते हैं इन डॉटर सेल। मतलब कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल के अंदर, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहते हैं। डॉटर सेल के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने के पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइटोसिस क्या है? एक हमारे पास माइटोसिस जो है वो हमारे पास एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ये जो है वो कंटीन्यूअसली चलता रहता है। माइटोसिस का जो हमारे पास प्रोसेस है वो जो है वो डिपेंड कर रहा है दो डिवीजन के ऊपर। मतलब माइटोसिस के अंदर जो सेल है वो डिवाइड होगा दो फेजेस के अंदर। कौन कौन से फेजेस के अंदर डिवाइड होगा? दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ों की डिवीजन होगी इसके अंदर। एक तो जो है वो हमारे पास क्या है, डिवीजन किस किस की होगी? कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी हमारे पास क्या है? साइटोकाइनेसिस। मतलब ये एक जो सेल है वो डिवाइड होगा, मतलब कि सेल के अंदर दो चीज़ें हमारे पास डिवाइड होंगी, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, और साइटोकाइनेसिस देखिए नाम से ही समझ आ रहा है किस चीज़ की डिवीजन होगी, हमारे पास साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। मतलब कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा टू डॉटर सेल के अंदर, तो वो उसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास डिवाइड होंगी। कौन कौन सी दो चीज़ें डिवाइड होंगी? नंबर वन क्या हमारे पास? कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा नंबर टू क्या हमारे पास? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा टू डॉटर सेल के अंदर। अब कैरियोकाइनेसिस जो है वो हमारे पास फर्दर जो है वो फोर फेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। कि कैरियोकाइनेसिस जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, तो न्यूक्लियस की जो डिवीजन होगी वो फोर फेजेस के ऊपर कंसिस्ट करी होगी। नंबर वन कौन सा फेज है हमारे पास? प्रोफेज। नंबर टू क्या है हमारे पास? मेटाफेज। नंबर थ्री क्या है हमारे पास? एनाफेज। और नंबर फोर क्या है हमारे पास? टीलोफेज। नंबर वन फोर फेजेस के ऊपर कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंसिस्ट हो रही है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा फोर फेजेस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है न्यूक्लियस। मतलब कि चार फेजेस से गुजरेगा और एक न्यूक्लियस हमारा डिवाइड होगा। वन पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा टू डॉटर सेल के अंदर, न्यूक्लियस डिवाइड होगा ना टू डॉटर सेल के अंदर।
तो अब सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो है वो चार फेजेस होते हैं। नंबर वन क्या, कौन सा फेज है हमारे पास? प्रोफेज। प्रोफेज क्या है? प्रोफेज क्या है? अर्ली प्रोफेज के अंदर, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज के अंदर, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है कि जो क्रोमेटिन मटीरियल होगा हमारा वो कैसा होगा? कंडेंस फॉर्म के अंदर होगा। कैसा होगा? क्रोमेटिन मटीरियल जो है वो हमारा कंडेंस फॉर्म के अंदर होगा, मतलब कि आपस में बहुत ज़्यादा मिला हुआ होगा हमें, जो आहिस्ता आहिस्ता मतलब मिला हुआ होगा बहुत ज़्यादा, हमें विजिबल नज़र नहीं आ रहा होगा कि क्या क्रोमेटिन मटीरियल के अंदर, क्रोमेटिन मटीरियल बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ हुआ होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या है कि जब क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंस हुआ हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता क्रोमेटिन मटीरियल विजिबल होना शुरू हो जाएगा, विजिबल होना शुरू होगा जब हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो कैसा नज़र आना शुरू हो जाएगा? थिक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर, थिक क्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो थिक क्वाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहला रहा है? क्रोमोसोम कहला रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? प्रोफेज मतलब कि माइटोसिस जो है वो कंसिस्ट करता है दो सब स्टेजेस के अंदर। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, और साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। पहले हम न्यूक्लियस की डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो कैरियोकाइनेसिस है वो भी आगे फर्दर फोर फेजेस के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। कौन कौन से फोर फेजेस हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या है कि अर्ली प्रोफेज के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ हुआ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो विजिबल होना शुरू हो जाता है। किस तरह विजिबल होना शुरू हो जाता है कि नज़र कैसा आना शुरू हो जाता है? थिक क्वाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। वो थिक क्वाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहला रहा है? क्रोमोसोम, इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगा। हर एक जो क्रोमोसोम है वो कंसिस्ट करता है, हर एक जो क्रोमोसोम है वो कैसा, वो कंसिस्ट करता है, एक क्रोमोसोम है वो कंसिस्ट करता है टू क्रोमेटिड्स के ऊपर, और ये दोनों क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स हैं हमारे पास, टू क्रोमेटिड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, और ये दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो हमारे पास एक पॉइंट से अटैच हुए हुए हैं। वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमारे पास क्या कहला रहा है? सेंट्रोमेयर कहला रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस स्टेज के अंदर, प्रोफेज के स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो डबल होते हैं, ऑलरेडी डबल के डबल 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 होते, सिंगल नहीं, सिंगल फॉर्म में नहीं होते, बल्कि आपस में पेयरिंग की हुई होती है, पेयर फॉर्म के अंदर पेयर फॉर्म के अंदर होंगे, डबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इस फेज के अंदर जो सेल के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी? डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी, गायब होना शुरू हो जाएगी, और इस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी, और इसकी जगह एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है? स्पिंडल फाइबर। कि मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह। और इसके अलावा जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो प्लांट सेल के एनिमल सेल के अंदर एक सेंट्रोसोम का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वो सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा सेंट्रियोल के अंदर, मतलब दो सेंट्रियोल के अंदर जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा वो सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। वो एक वो दो जब दो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, तो एक जो पार्ट है वो एक पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और दूसरा जो पार्ट है सेंट्रियोल का, या दूसरी मतलब दो पार्ट में या दो पेयर की फॉर्म में वो जो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा सेंट्रोसोम, एक एक पोल की तरफ मूव कर जाएगा और दूसरा दूसरी पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। तो ये जो पहला फेज़ है उसके अंदर क्या हो रहा है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस है, विजिबल होना शुरू हो जाएगा एक क्वाइल थिक क्वाइल स्ट्रक्चर के अंदर। वो थिक क्वाइल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहला रहा है? क्रोमोसोम कहला रहा है। हर एक क्रोमोसोम जो है वो डबल होगा इस फेज़ के अंदर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा दो सेंट्रियोल की तरफ, मतलब एक सेंट्रियोल जो है वो एक पोल की तरफ मूव कर जाएगा और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन क्या है कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड होगा दो सेंट्रियोल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रियोल होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, नंबर टू जो हमारा फेज़ है वो कौन सा फेज़ है? मेटाफेज।
नंबर टू हमारे पास जो फेज है वो कौन सा फेज है, मेटाफेज। इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे, इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देंगे। क्रोमोसोम अरेंज इट्सेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल के फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, क्रोमोसोम जो है वो अपने क्रोमोसोम जो हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को मतलब बिखरे हुए हैं इधर उधर, लेकिन मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने आप को इस तरह सेल की इक्वेटर पर आकर जमा करना शुरू कर देंगे। मतलब इस तरह अगर यहाँ कहीं मौजूद हैं क्रोमोसोम तो ये क्या करेंगे, अपने आप को इस फेज के अंदर मिड लाइन के ऊपर इक्वेटर के ऊपर आकर जो है वो अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा मेटाफेज के अंदर क्या है कि जो सेंट्रोमियर है कि जो सेंट्रोमियर जो मौजूद है वहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेंट्रोमियर मौजूद है उससे अटैच हुए होंगे, कि स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हुए होंगे इस फेज के अंदर, ठीक है। नंबर थर्ड जो हमारे पास फेज है वो कौन सा फेज है, एनाफेज। इस फेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर क्या है, इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे, अब मैंने आप लोगों को बताया क्या कि एक जो क्रोमोसोम है वो कंसिस्ट करता है टू क्रोमेटिड्स के ऊपर। इसमें एनाफेज के अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमियर से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, कि क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। हर एक जो क्रोमेटिड है वो इस तरह अलग होना शुरू हो जाएगा, ये वाला क्रोमेटिड अलग हो जाएगा, वो वाला क्रोमेटिड अलग होना शुरू हो जाएगा, और दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो ओपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। एनाफेज के अंदर क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स के अंदर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जो हर एक जो क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रोमियर से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, और जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर से जब क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो हर एक जो क्रोमेटिड है वो ओपोजिट पोल की तरफ, अपर वाला है वो ओपोजिट पोल की तरफ मतलब ऊपर मूव कर जाएगा, ऊपर वाले पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और नीचे वाला जो क्रोमेटिड है वो नीचे मतलब लोअर साइड के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। मतलब कि क्रोमोसोम की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम डिवाइड होगा, हर एक जो क्रोमेटिड है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। नंबर फोर हमारे पास क्या है, टीलोफेज। नंबर फोर फेज है जैसे इस तरह हमारे पास एक सेल है, जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से डिवाइड हुआ है, तो क्रोमेटिड जो है वो इस तरह ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे, इस तरह ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा, लास्ट फेज है माइटोसिस का। इस फेज के अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स होंगे मतलब इस तरह जो क्रोमेटिड्स हैं वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हुए हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे इस तरह। अब इस टीलोफेज के अंदर क्या है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हुआ है, सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम डिवाइड होना शुरू हुआ है, और हर एक जो क्रोमेटिड है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि हर एक जो क्रोमेटिड है वो अपना एक अलग क्रोमोसोम्स बनाना शुरू कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमेटिड है, ये अपना एक अलग क्रोमोसोम जो है वो बनाना शुरू कर देगा, इस तरह एक क्रोमोसोम बन जाएगा, और ये एक पोल की तरफ मौजूद है और दूसरे पोल की तरफ जो हमारे पास क्रोमेटिड मौजूद है वो अपना एक अलग क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, अब टीलोफेज के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होंगे वो क्या होंगे, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, और क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। हर एक क्रोमेटिड ने जो इट सेल्फ क्रोमोसोम बना दिया है उसके इर्द गिर्द इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। इस तरह जो एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड हुआ है टू डॉटर सेल के अंदर, ये मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, ये मतलब जो भी एक क्रोमेटिड जो है वो डिवाइड हुआ वो इटसेल्फ एक क्रोमोसोम बना देगा। वो हर एक क्रोमोसोम के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी और एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हुआ है किस तरह टू डॉटर सेल के अंदर। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले कैरियोकाइनेसिस की स्टडी की कि कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की कैसे डिवीजन हुई माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर। न्यूक्लियस की डिवीजन हुई माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर कैरियोकाइनेसिस फोर सब स्टेजेस फोर सब फेजेस के ऊपर जो कैरियोकाइनेसिस था वो डिपेंड कर रहा था हमारे पास फोर सब फेजेस के ऊपर जो है वो हमारा कैरियोकाइनेसिस जो है वो डिपेंड कर रहा था। अब दूसरी जो मैंने आपको बताया कि जो माइटोसिस है वो दो डिवीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा था कैरियोकाइनेसिस और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ साइटोप्लाज्म की डिवीजन। जिस तरह हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है वन पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हुआ है टू डॉटर सेल के अंदर, मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है एक पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है टू डॉटर सेल के अंदर, तो इसी तरह साइटोकाइनेसिस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होगा टू डॉटर सेल के अंदर, मतलब दो डॉटर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा इक्वली इक्वल अमाउंट के अंदर डॉटर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होगा। लेकिन क्या फ़र्क है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं और यहाँ और दूसरी हम जो है वो प्लांट सेल की बात करते हैं, दो हम लोग जो है वो दो चीज़ों की बात करते हैं। एनिमल सेल के अंदर मतलब कि एनिमल सेल की अगर हमने बात की है और नंबर टू जो है वो हम लोगों ने किसकी बात की है प्लांट सेल की बात की है। एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरह डिवाइड होता है, एक कंस्ट्रक्शन एक पावर लगती है साइटोप्लाज्म के अंदर, इतनी डीप वो पावर लगती है कंस्ट्रक्शन डेवलप होती है कि वो जो साइटोप्लाज्म है वो दो हाफ के अंदर जो है वो इजीली डिवाइड हो जाता है। लेकिन मतलब एक कंस्ट्रक्शन डेवलप होती है, एक कंस्ट्रक्शन लगती है, एक पावर लगती है साइटोप्लाज्म के ऊपर और इतनी डीप वो पावर लगती है कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो हाफ के अंदर डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या है साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है, ये एक सेल प्लेट बनना शुरू हो जाती है साइटोप्लाज्म के दौरान। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक साइटोप्लाज्म है, एक सेल प्लेट बनना शुरू हो जाएगी मिड के अंदर, वो जब सेल प्लेट फॉर्म हो जाएगी तो वो ईजिली एक साइटोप्लाज्म को दो हाफ के अंदर डिवाइड कर देगा, तो इसी तरह साइटोप्लाज्म भी टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है कि एनिमल्स के अंदर एक कंस्ट्रक्शन डेवलप होगी और प्लांट के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है सेल प्लेट बनना शुरू हो जाती है सेल के इर्द गिर्द, मतलब कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल प्लेट बनना शुरू हो जाएगी और इजीली जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा टू डॉटर सेल के अंदर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये थी हमारे पास माइटोसिस कि वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल और जो नंबर जो और वन पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो रहा था टू डॉटर सेल के अंदर और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो रिमेन सेम, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या थे रिमेन सेम एज कंपेयर टू एस इन द पेरेंट सेल, के पेरेंट सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, जितने पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होकर जाते हैं डिवाइड होकर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं हम लोग, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कि इससे हम लोग को माइटोसिस के प्रोसेस से हम लोग को क्या क्या फ़ायदे पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए, माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो रही है जो डेवलपमेंट हो रही है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है माइटोसिस का प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब अगर सेल जो है वो डिवाइड नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे उनकी ग्रोथ होगी और उनकी डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है माइटोसिस का प्रोसेस। नंबर टू अगर हम बात करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एंड वेजिटेटिव
वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं वो भी किसके ज़रिए, वो भी किसके ज़रिए होते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए हो रहे होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है माइटोसिस का प्रोसेस। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं वो भी किसके ज़रिए होते हैं, माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने किसी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर किसी, हमें कोई क्रॉप चाहिए और हम लोगों ने जो है वो बहुत कम, बहुत ज़्यादा कंटीन्यूअस प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोसेस है, माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोसेस है हमारे पास, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ प्रोसेस है। अगर हमें कोई क्रॉप चाहिए, कोई ईल्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए उस क्रॉप को या ईल्ड को बहुत जल्दी ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी, अगर हमें बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपीज़ चाहिए, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ कॉपीज़ चाहिए उसी चीज़ की, उसी ऑर्गेनिज्म की, तो क्या होगा कि हम इस माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए, माइटोसिस का प्रोसेस क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ हमारे पास आ रही होती हैं, तो वो भी हमारे पास माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ही आएंगी। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, कोई वूंड हो जाती है, चोट लग जाती है, या कोई सेल जो है वो फट जाते हैं, टेयर हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं, तो उनको, उन सेल्स को भी माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए हम लोग ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई वूंड होगी, इंजरी हो गई है, तो उसको हील कैसे कर सकते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट और इतना ज़्यादा स्पीड से होता है, इतना ज़्यादा तेज़ी से होता है माइटोसिस का प्रोसेस कि वो उन सेल्स को जो इंजर्ड हुए हैं, वूंड हुई हुई, चोट लगी हुई, तो उन सेल को इजीली माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं वो भी हम किसके ज़रिए कर रहे होते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक सेल, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, कि हमारी बॉडी के अंदर जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए भी हम किस प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कौन सा प्रोसेस हमें फ़ायदा दे रहा होता है, वो प्रोसेस है हमारा माइटोसिस। मतलब माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ही हम जो सोमैटिक सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन ईजिली करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है, और हमारा माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो गया कि माइटोसिस क्या था। और इसके अलावा जो है वो आप लोगों को फेजेस के बारे में बता दिया, कौन कौन से फेजेस बताए माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस भी आगे फर्दर फोर फेजेस में डिवाइड हो रहा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के अंदर, और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ। और इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, कौन सा छोटा सा टॉपिक है, सेल डेथ का एक टॉपिक है हमारे पास, कि सेल की, कि सेल की डेथ होती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, किस तरह सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो सेल डेथ, कि सेल जिस तरह सेल की फॉर्मेशन होती है उसी तरह सेल की डेथ भी होती है। तो टू वेज होते हैं, दो वेज हैं हमारे पास, दो तरीके हैं जिसकी वजह से सेल की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। कौन कौन से दो वेज हैं हमारे पास जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है, नंबर वन कौन सा है हमारे पास, एपोप्टोसिस, और नंबर टू कौन सा है हमारे पास, नेक्रोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस सेल डेथ। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास सेल मौजूद है, इन सेल्स को कुछ जो है वो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, या अपनी जो रेगुलेशन है अपने मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो तमाम रेगुलेशन है, अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जैसे ही अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनको कोई इंट्रासेलुलर सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, जब इंट्रासेलुलर सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो सेल को प्रॉपर तरीके से सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी, सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे। अब दो तरीके हैं
जिसकी वजह से सेल जो है वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, मरना शुरू हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं। नंबर वन क्या है? एपोप्टोसिस। और नंबर टू क्या है हमारे पास? नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी टाइप है फिजियोलॉजिकल, एक ऐसी टाइप है एपोप्टोसिस क्या है, एक ऐसी टाइप है सेल डेथ की जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है सेल डेथ का कि सेल्स के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। जब फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी तो जिसकी वजह से सेल को प्रॉपर तरीके से एंजाइम्स नहीं मिलेंगे, हार्मोन्स नहीं मिलेंगे, तो सेल की जो है वो खुद ब खुद ही डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। एपोप्टोसिस को सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। एपोप्टोसिस को क्या कहा जाता है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन या ऑटोफैगी, ऑटोफैगी या सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। कि मतलब कि फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी सेल के अंदर और सेल को प्रॉपर तरीके से एंजाइम्स नहीं मिलेंगे, केमिकल्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से खुद ब खुद जो सेल है वो सुसाइड करना शुरू कर देंगे, खुद ब खुद मरना शुरू हो जाएंगे। उनको सिग्नल्स नहीं मिल रहे, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर सेलुलर सिग्नल्स ही मिलेंगे जिनकी वजह से सेल जो है वो खुद ब खुद उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? सेल डेथ का वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा? अपोप्टोसिस। दूसरा हमारे पास जो दूसरी जो टाइप है हमारे पास सेल डेथ की, वो कौन सी टाइप है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? एक ऐसी टाइप है सेल डेथ की जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, टिश्यू इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किसी टॉक्सिन की वजह से या किसी ट्यूमर की वजह से सेल की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब किसी भी ट्यूमर की वजह से, इंजरी की वजह से जो है वो सेल की जो है वो टिश्यू इंजरी की वजह से, ट्यूमर की वजह से या टॉक्सिन की वजह से सेल्स की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। इसमें क्या था? फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आ रही थी जिसकी वजह से सेल खुद ब खुद डेड होना शुरू हो जाते, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रही थी। लेकिन नेक्रोसिस क्या है? एक ऐसी टाइप है सेल डेथ की जिसके अंदर किसी भी इंजरी की वजह से, टिश्यू इंजरी की वजह से या टॉक्सिन की वजह से या किसी केमिकल या ट्यूमर की वजह से सेल की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती थी, सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो ये टाइप हमारे पास क्या कहलाती है? नेक्रोसिस कहलाती है। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी मंडे वाले दिन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मियोसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे हम और मियोटिक एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।